हेलो फ्रेंड, वेलकम टू किंग ऑफ वॉचेस चैनल। आज हमने आपके लिए सिटीज़न जीपीएस सैटेलाइट वॉच का जीरो सेटिंग का वीडियो बनाया है और ये वॉच जीपीएस से कैसे कनेक्ट होता है वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये सिटीज़न इको ड्राइव वॉच है जो सोलार पे चलता है। इसमें आपको बैटरी चेंज करने का रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये सोलार वॉच है। ये देख सकते हो आप ज़ीरो सेटिंग कैसे करते हैं। पहले हमारा जो क्राउन है इसको ओपन कर देना है। ए और बी बटन को दोनों को साथ में प्रेस करना है 10 टू 15 सेकेंड्स के लिए। देखिए वॉच सिग्नल देगा। सिग्नल देने के बाद जो हमारा आवर्स का हैंड्स है उसको 12 में लेकर आना है इस क्राउन की मदद से। ये देखिए हम क्राउन की हेल्प से इसको 12 पे लेकर आना है, लेकर आ रहे हैं। और जैसे ही 12 पे ले जाएंगे तो बी बटन दबा के उसको लॉक कर देंगे। मतलब उस आवर्स की मिनट सेटिंग हो गई, आवर्स की सेटिंग हो गई है। उसी तरीके से मिनट्स के लिए भी करना है और उसी तरीके से सेकंड्स की भी सेटिंग करना है। मेक श्योर तीनों हैंड जो है हमारे 12 पे आना चाहिए। ये देखिए अब हमारा मिनट्स को मैंने लेकर आ गया है 12 पे। अब मैं लॉक कर दूंगा। सेकंड्स भी हमारा 12 पे है। अब वापस से मैं प्रेस कर दूंगा बी बटन। अभी जो हमारा ये छोटा सा जो डायल है और यहाँ पे हमको डेट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये डायल हम घुमाएंगे तो ये देखिए हमारा डेट भी अब घूमने चेंज होता नज़र आएगा और ये छोटा हैंड ऐसे वर्क करता रहेगा। मेक श्योर हमको एक ये चीज़ नोट करना है कि जो डेट का ऑप्शन है वो 31 और 1 के बीच में लेके ला के क्राउन की मदद से स्टॉप कर देना है। और जो ये छोटा हैंड घूम रहा है यहाँ पे जो फर्स्ट एस है, एस यानी संडे, वहाँ पे उसको रुकाना रहेगा। ये जैसा कि मैं आपको ये वीडियो में दिखा रहा हूँ उसको आप फॉलो कीजिए। ये देखिए ये पूरा घूम रहा है। ये देखिए डेट 30 पे आ गई है। अब 31 जैसे ही 31 होगा और 31 एक के बीच में हमको इसको रोकना होगा और रोकेंगे किसकी मदद से, क्राउन की मदद से। ये देखिए हमने क्राउन की मदद से रोका। 31 और एक को हम बीच में लेकर आ जाएंगे और ये जो छोटा हैंड्स है यहाँ पे इसको संडे में लेकर आना है। ऑफ है, ऑन है और ये देखिए अभी हम संडे में ले आएंगे। संडे में लाने के बाद हमको क्राउन बंद कर देना है। हमने क्या किया था, पहले क्राउन ओपन किया था और ए बी बटन को दोनों प्रेस किया था, ज़ीरो सेटिंग किया, मिनट्स आवर्स और सेकंड्स को तीनों को हमने 12 में लेकर आया, फिर डेट सेटिंग को फॉलो किया। अब ये देखिए हमने बंद कर दिया, डेट ऑटोमेटिक एक पे आ जाएगी। ये हमारा ज़ीरो सेटिंग डन हो गया। अब हमको सैटेलाइट से कनेक्ट करना है। मेक श्योर आप खुली जगह पे लेकर आ जाइए वॉच को। क्राउन बंद कीजिए और 10 से 15 सेकंड्स के लिए जो ए बटन है उसको पुश करके रखिए। वॉच सिग्नल देगा और जो सेकंड्स हैंड्स हैं वो जीपीएस में आ जाएगा। अब हमको अप टू 1 मिनट तक का वेट करना रहेगा, 1 मिनट्स का वेट करना रहेगा ताकि ये जीपीएस से परफेक्ट कनेक्ट हो जाए और इसका जो टाइम है ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। ये देखिए हम अभी वेट करेंगे जैसे कि हम आपको बता रहे हैं। और याद रखिए जो वॉच का वारंटी है ये 3 ईयर 3 मंथ 3 डेज का इसका मशीन का वारंटी है एंड 1 ईयर इसका इंटरनेशनल वारंटी होता है। ये देखिए सिग्नल दिया अभी वॉच ने, ये अब ऑटोमेटिक इसका टाइम सेट हो जाएगा जो कि हमारा इंडिया का टाइम है। और ये छोटा हैंड घूमता रहेगा और डेट जो कि टुडे 18 है, अब ये 1 तारीख से 18 तारीख तक आने में इसको टाइम लगेगा, उसके लिए हमको वेट करना होगा। जब तक कि मैं आपको ये वॉच का जो लुक है उसके बारे में बता देता हूँ। ये इस ब्लैक मेटल में वॉच है, इसका लुक काफ़ी क्लास है। आप इसको फॉर्मल और कैजुअल दोनों पे भी वेयर कर सकते हो और ये वन ऑफ द टॉप सेलर मॉडल है सिटीज़न सैटेलाइट वॉच का। देखिए जैसे कि डेट चेंज होता जा रहा है, अब ऐसे ही ये 18 तारीख तक आएगा जो कि इंडिया का आज जो डेट है वो 18 है और डेट ट्यूसडे है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए अभी डेट हमारा 16 पे आ चुका है।
ये देखिए आप, ये 18 पे आ गया डेट, अब ये ट्यूसडे पे आके रुक जाएगा। अब हमारा पूरी सेटिंग इज डन, आप इसको यूज़ कर सकते हो, वेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।